आज का टेम्परेचर है 13 डिग्री और फोग हो रखा है बाहर। तो दिल्ली की सर्दी तो सुना होगा आपने कैसी होती है। आज मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ठंड हो रखी है बाहर। दिल्ली में पूरा फोग हो रखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बालकनी से ही बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मैं तो जस्ट उठा हूँ अभी। दूसरी वाली बालकनी में तो थोड़ी विजिबिलिटी है, बस ओनली पास की बिल्डिंग ही दिखाई दे रही है। बाकी चारों तरफ फोग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इतनी ठंडी हवा चल रही है आज, बिल्कुल रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चलो, ठंड तो बाहर है, अपन तो चाय पीते हैं। चलो आओ फिर। चाय पीने के बाद अपन चलते हैं थोड़ा बाहर। आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तो बाहर देख के आते हैं कैसा माहौल है। वाह, यहाँ पास ही में एक शॉप है बीकानेर वाला, वहाँ पे मैं उधर जा रहा था तो वहाँ पे गर्मा गर्म समोसे तैयार हो रहे थे। और इस तरह का मौसम है और समोसे गर्मा गर्म, तो मैं कचौरी समोसे खाना अवॉइड करता हूँ, लेकिन आज के मौसम को देखते हुए और इस तरह से गर्मा गर्म कढ़ाई में समोसे निकल रहे हैं जिनको देख के तो अवॉइड नहीं किया जा सकता आपने। तो मैं जल्दी से गर्मा गर्म समोसे पैक करवा लेता हूँ और घर पे जाता हूँ और फिर समोसे एंजॉय करते हैं। तो मैंने यहाँ से पैक करवा लिए हैं, फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ और फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो मेरा शैंडिलियर भी आ चुका है और लाइट्स भी मैंने लगवा ली है घर में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा शैंडिलियर जो हमने बाई किया था दिल्ली से, और इसकी 8 लाइट्स हैं। कुछ 6 लाइट्स का भी आता है, 8 लाइट्स का भी आता है। तो 8 का हमारे हमारा जो लिविंग रूम है उसके एरिया के हिसाब से 8 लाइट्स का सफिशियंट है। वो ज़्यादा छोटा भी नहीं लग रहा है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है, बहुत ही फाइन लुक दे रहा है। और इसी के कॉम्बिनेशंस की मैंने लिविंग रूम के अंदर 2 लाइट्स भी लगाई हैं, जो ड्यूल लाइट है, जो एक लाइट यहाँ पे लगाई है मैंने और जो दूसरी लाइट है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे अपना प्लांट रखा हुआ है उसके ऊपर, आप यहाँ देख सकते हो वो यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे। तो इन दो ये दोनों लाइट्स भी शैंडिलियर के कॉम्बिनेशंस की है, जो कि लिविंग रूम में पूरा एक कॉम्बिनेशन मैच करता है। और इसके बाद मैंने 2 लाइट ली है, एक एक बेडरूम के लिए और एक लिया है लिविंग रूम के लिए। तो ये बेडरूम की लाइट है जो इस तरह की है और सारी ब्रास के हैंडल हैं ये, और जो लिविंग बेडरूम वाली लाइट है वो ये है। और इसके अंदर मैंने जो बल्ब यूज़ किया है वो फिलामेंट वाला यूज़ किया है जिससे येलो रोशनी देता है, वो तो काफ़ी फाइन लुक आता है। और एक लाइट मैंने लगाई है गेस्ट रूम में
जो कि ये वाली लाइट है। इस लाइट का लगाने का फंडा ये था कि इस लिविंग रूम के अंदर जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर के अंदर जो फ्लोरल वाला जो वॉलपेपर है ये, और इसका जो फ्लावर का कलर और जो लाइट का कलर है, लाइट का जो ग्लास है वो मैच करता है, इसलिए मैंने ये वाला ग्लास इधर लिविंग रूम के अंदर गेस्ट रूम में लगाया है, और वो जो ट्रांसपेरेंट वाला है वो लगाया मैंने बेडरूम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो ग्ला वॉलपेपर का फ्लावर है, ये वाला फ्लावर और जो ग्लास है, ये वाला ग्लास, वो दोनों मैच करता है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने ये लाइट यहाँ पे लगवाई है, जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। होम टाउन की साइड में तो जनरली जो ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजीज मिल जाती है, घर में ही मिल जाती है, तो वहाँ पे अच्छे से मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपको गुड़गांव जैसी सिटी में अगर उस तरह की कोई वेजीज मिलती है तो कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहेगा। तो हमारी सोसाइटी से थोड़ी सी दूरी पे एक लड़का है जो उसका खुद का फील्ड है, वो वहीं पे ओनली वेजीज वो उगाता है वहाँ पे, और वो यहाँ पे बेचने आता है। तो मैंने देखा था उसको, और अभी तो मतलब उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं हुई है, बाकी कुछ लोग आने लग गए हैं उसके पास, और उसके पास जितनी भी सब्जियाँ हैं वो बहुत ही फ्रेश हैं। और सिटी में अगर आपको इस तरह की फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल हो जाती है तो मैं तो यहाँ से लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे फ्रेश वेजीज खाना बहुत ही पसंद है। ग्रीन वेजीज, ग्रीन लीफी वेजीज खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसके पास सारी की सारी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसके पास गाजर है, आप सरसों फ्रेश ले सकते हो, और पालक ले सकते हो, मेथी ले सकते हो, तो ग्रीन लीफी सारी की सारी वेजीज इसके पास अवेलेबल है। तीनों एक एक पैकेट सफिशियंट होगा ना?